ये मैप देख रहे हैं, ये मैप है बीकानेर का और मैं अभी हूँ मोतीबन धर्मशाला। मुझे यहाँ से जाना है नागौर, और आप देख सकते हैं वाकई में बहुत टाइम लगता है। मतलब डायरेक्ट नहीं, हम आपको वहाँ से बस स्टैंड जाना होगा, बस स्टैंड से नागौर के लिए आपको बस मिल जाएगी। तकरीबन 2 घंटे लगे थे और 137 किलोमीटर, इसमें 113 दिखा रहा है, नहीं एक्यूरेट 137 किलोमीटर दूर है, और 2 घंटे से लगभग लगे हैं, पक्का शोर लगा है, हाँ 2 घंटे से ऊपर ही लगे हैं। और पर ये पक्का है कि वो 137 किलोमीटर है, और आप देख सकते हो इतना है। पहले आप बस स्टैंड जाना होगा, बस स्टैंड से फिर वहाँ से आपको लेना, और सुबह सुबह आपको मिल जाएगी, बहुत ही बेस्ट है। राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर स्थित एक धूल भरा शहर नागौर भारत के राजपूताना इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागौर क्षेत्र में 2 प्रमुख किले जैसे कूचामन किला और अय चित्तरगढ़ किला, जो नागौर किले के 2 रूप में भी लोकप्रिय है। जबकि कूचामन किले का इतिहास 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, और जब राजपूत शासकों ने एक पहाड़ की चोटी पर एक अवैध किले का निर्माण किया था और इसका इस्तेमाल सोने और चांदी के सिक्कों को ढकने के लिए किया गया था। माना जाता है कि चित्तरगढ़ किला 14वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाया गया था और नाग शासक द्वारा। नागों का उल्लेख महाभारत के महाकाव्य में भी मिलता है। कहा जाता है कि छत्रपुर या नागौर का राज्य उस क्षेत्र का हिस्सा था जिससे पांडव राजकुमार अर्जुन ने जीता था और बाद में अपने गुरु द्रोणाचार्य को भेंट कर दिया गया। नागौर का किला जोधपुर से लगभग 137 किलोमीटर उत्तर में एक इस क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के किले में कई जगहों में से नागौर किला प्राचीन राजस्थान के इतिहास का एक अद्भुत और आकर्षक नमूना है, जो एक कलात्मक पारंपरिक जीवन शैली है। नागौर में प्रवेश करते ही इसकी खूबसूरत आपको आकर्षित कर लेती है। और 2वीं शताब्दी में नागवंशियों ने नागौर के किले का निर्माण किया और इसका पुनर्निर्माण गजनवेट के गवर्नर मोहम्मद बलहीम द्वारा किया गया, जो ऊंची दीवारों और बड़े परिसर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नागौर दुर्ग स्थित अक्काज देली त्रिपोलिया के 3 द्वार आपका स्वागत करते हैं। इसके अंदर कई महल, फुवारे, मंदिर और खूबसूरत बगीचे भी बनाए गए हैं। शहर में स्थित राजस्थान के किले को देखने के लिए देश विदेश पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। नागौर का नाग का पूरा से लिया गया था, इसका अर्थ होता है नागों का शहर। ये क्षेत्र से 7वीं शताब्दी के बाद तक नाग शासकों के नियंत्रण में था। इस पर चौहानों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी और 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच नागौर के सिंहासन पर कई मुसलमान और अरब आक्रमणों के कब्जा कर लिया, और अतः 18वीं शताब्दी के दौरान राजपूतों के अधीन आ गया। आक्रमण के प्रत्येक आक्रमण के साथ 4वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए नागौर के मिट्टी के किले को बदल दिया गया और राजपूत और मुगल वासियों के किला का एक सुंदर सम्मिलन बनाने के लिए एक नई संरचना जोड़ी गई। नागौर किला राजस्थान के कई पहाड़ी किलों के विपरीत है, समतल भूमि पर बनाए गए और मध्यकालीन व्यापार मार्ग के साथ खड़ा था। चौड़े समतल विमानों में घिरा ये किला अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से शासकों के सैन्य और आर्थिक शक्ति पर निर्भर करता है। किले की दीवारें का निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान 5,000 फीट की लंबाई में बनाया गया था और इसमें 2800 सुरक्षा टावरों सहित जुड़वा दीवारें भी शामिल थे। वाकई में बहुत शक्तिशाली था उस वक्त। तो सीमांता की दीवारों के परिधि में फैली हुई कई मंदिर, मस्जिद, महल हैं, जो कई शताब्दियों में शासकों द्वारा किले पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए थे। नागौर किले के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो इस किले का
चित्तौड़गढ़ किला भी कहा जाता है। ये दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस किले का अपना एक अलग ऐतिहासिक महत्व है और इस किले का निर्माण मुगल राजा शाहजहां और अकबर ने क्षेत्रीय शासकों के शासनकाल में किया था, लेकिन इसे मूल रूप से नागवंशी क्षेत्रों द्वारा बनाया गया था। इसके बाद इसे मोहम्मद बलीम द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। ये किला पिछली शताब्दी में कई लड़ाइयों की गवाह बना हुआ है। नागौर के प्राचीन शहर के केंद्र में उत्तर भारत के पहले मुस्लिम गढ़ों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला है, जिसमें 12वीं शताब्दी का शुरुआत में बनाया गया था और बाद की शताब्दी में बार बार बदल दिया गया। इसके पुनर्निवास के लिए परियोजना और जिनमें से एक कारीगरों का प्रशिक्षण शामिल है, न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करता है। प्राथमिक उद्देश्य एकल भूमों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना नहीं था, बल्कि आगे की क्षति को रोकना और योजना बनाने के लिए पूरे किले परिसर को पुनर्स्थापित, पुनर्जीवित और संरक्षित करना था। पूर्व सार्वजनिक पहुंचने के लिए, इससे प्राप्त करने के लिए विजिटर या अंगत अनुभव को बढ़ाने के लिए संरक्षण कार्यों को जीवित वास्तुकला और साइट की ऐतिहासिकता के साथ सहानुभूति में होता था। पहले के युग की सामग्री और निर्माण विधियों को फिर से खोजा गया, पेंटिंग और स्थापित सुविधाओं को संरक्षित किया गया और सहकर्मिक द्वारों के माध्यम से पहुंचाए पर्यटन को फिर से बनाया गया। जटिल जल प्रणाली को खोजा और बहाली की एक मुख्य आकर्षक था। 90 फुहारे अब बगीचों और इमारतों में चल रहे हैं। जहां परियोजना की शुरुआत में कोई काम नहीं कर रहा था, किले की इमारतें और स्थान और दोनों बाहरी और आंतरिक सूफी संगीत समारोह स्थल और मंच और घर के रूप में काम करते हैं। यहां नागौर दुर्ग में स्थित नकाश, देली और त्रिपुलिया तीन द्वार आपका स्वागत करते हैं। उसके अंदर का महल, फुहारे, मंदिर और खूबसूरत बगीचे भी बनाए गए हैं। शहर में स्थित राजस्थान का किला को देखने के लिए बहुत सारे देश विदेश के कई सारे पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। राजस्थान का किला नागौर का इतिहास देखें तो ये नागौर राजस्थान के अन्य किलों की तरह नागौर का किला भी ऊंची पहाड़ियों में स्थित है और कुछ ही मिनटों में इतिहास के बारे में नागौर का किले में बताएं कि कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें से इनके नाम की तरह है नागा दुर्ग, नाग दुर्ग और छत्तीसदुर्गपुरा नामों से भी जाना जाता है। ये नागौर किले के मुख्य सात प्रवेश द्वार है, जिनमें से पहला द्वार लोहे और लकड़ी के नुकीले किले से बनाया गया था, दूसरा द्वार बिजली पोल से, तीसरा द्वार कचहरी पोल से और चौथा सूरज पोल से, पांचवा ध्रुवती पोल, छठा राज पोल, सातवा द्वार न्यायपालिका के रूप में जाना जाता है। आभा महली या आभा महल आज नागौर किले के सबसे कलंकृत संरचना है। दीवारों और छतों की पूरी लंबाई और चौड़ाई को सुशोभित करने वाले जटिल विविध चित्रों और चित्रों के साथ आभा महल में हमाम, फुहारे, चैनल और आंतरिक रूप से सौंदर्य शास्त्र को बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किए गए कक्षों जैसे खूबसूरती से डिजाइन किए गए जल निकाय भी हैं। महल के केंद्र में स्थित एक विशाल चिमनी की तरह हवा का मार्ग इसी छतों से हवाओं को चैनल करके प्राकृतिक हवा की इस स्थिति के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। दीपक महल, अपने नाम के अनुरूप नागौर किले में दीपक महल को इसकी दीवारों पर दीपक रखने के लिए डिजाइन किया गया। ऐसा कहा जाता है कि किले में कई महत्वपूर्ण समारोह और अवसरों के दौरान दीपक महल में लोग और शास्त्र
प्रदर्शन हुए हैं। नागौर किले के रणवास होटल में ठहरने वाले मेहमानों के लिए आज भी दीपक महल में प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। दीपक महल की खूबसूरत में से 4 चांद लगा दिए गए हैं। दीपकों की सुनहरी रोशनी में जगमगाते सदियों पुराने महल के बीच एक संगीतीय और सांस्कृतिक उत्सव में शामिल होने वाला इतना स्वर्गीय अनुभव होगा। अकबर महल या शीश महल। नागौर किले में अकबर महल का निर्माण मूल रूप से वर्ष 1556 में अजमेर के राजपाल से शक्तिशाली मुगलों द्वारा नागौर शहर की पुण्य विजय की याद में किया गया था। इस डॉक्यूमेंट में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा कंटेंट को तो इसे लाइक करें और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं।